पप्पू यादव की पार्टी में सुतली बम के नाम से मशहूर प्रिया राज को कल पप्पू यादव की तरफ से कार्रवाई कर दी गई है। प्रिया राज समेत 8 लोगों को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। आखिर क्या कुछ कारण रहा बर्खास्त होने का? खुद हमारे साथ प्रिया राज है। प्रिया राज, हर मोर्चे के साथ, हर मुद्दे के साथ पप्पू यादव के आप साथ दिखती थी, आखिर ऐसा क्या हो गया कि पप्पू यादव इतना भरोसा करते थे, आपको बर्खास्त कर दिया गया, बाढ़ का रास्ता दिखाया गया पार्टी? देखिए, मेरा उम्र तो 23 साल हुआ है, लेकिन हम 20 साल से ही लगातार, जब मेरा उम्र 20 साल था तब से ही लगातार हम संघर्ष पप्पू यादव जी के साथ कर रहे थे, हैं, अभी भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर, हम उनको पिता समान मानते हैं, कभी भी उनको हम अपने आप से अलग नहीं समझते थे, हम उनकी बेटी हैं। लेकिन उनको क्या कमी लग गई मेरे अंदर मुझे नहीं पता। 5 साल में जो हम जितना संघर्ष किए हैं, आज हमारे सांसद महोदय द्वारा हमको बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है, वो है बर्खास्त। हम कहीं ना कहीं हम संघर्ष को चुने हैं। यहाँ अभी आपको भी पता होगा, पटना विश्वविद्यालय में चुनाव हो रहा है, आज वोटिंग चल रहा है, और हमने पटना विश्वविद्यालय में ऐसे लोग को चुना जो संघर्ष किया है। हम ऐसे लोगों को नहीं चुने जो पैराशूट से उतर के आया फिर उड़ के चला जाएगा। हमारे सांसद महोदय, जो उनके अगल बगल इधर गिर्द कुछ लोग रहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जनाधिकार पार्टी आगे जाए और आगे बढ़े, वो चाहते हैं कि यही ख़त्म रह जाए, और वो अपना वहाँ से अपना सिस्टम से करते रहते हैं, उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती रहती हैं। और हमारी पार्टी का तय हुआ था कि जनाधिकार छात्र परिषद 5 पैनल पे, सेंट्रल पैनल पे चुनाव लड़ेगी पटना विश्वविद्यालय में। सारा कुछ फाइनल हो गया था, जब सुबह में जब नॉमिनेशन होने जा रहा था, तब हम लोग को सुबह में पता चला कि रातों रात AI सबसे गठबंधन हो गया है, कि हमारे सांसद महोदय 2 सीट रखे हैं और 3 सीट उन लोगों को दे दिया गया है। फिर एक हमारे कने, हम खुद, मैं खुद लड़ना चाह रही थी चुनाव, ऐसा नहीं है, सब लोग को पता है कि मैं खुद लड़ना चाह रही थी, लेकिन मुझे भी नहीं मिला, तो मैं ठीक है कि मैं नहीं लड़ूंगी, जब मुझे सांसद महोदय ने मना कर दिया है तो मैं नहीं लड़ूंगी। एक और है जो नीरज कुमार यादव है, जो पटना विश्वविद्यालय के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए वो हमेशा से संघर्ष करते आ रहे हैं, खास करके उसको गोली भी लगा इसी कैंपस में, उस लड़का को आज आप उसको दरकिनार कर दे रहे हैं। कल एक दिन पहले बोल रहे हैं कि नीरज तुम चुनाव लड़ रहे हो, और अगले दिन जब नॉमिनेशन करने जा रहे हैं तो डायरेक्ट आप उसको मना कर रहे हो कि नहीं, हमारी गठबंधन AISF से हो गई है, तुम चुनाव नहीं लड़ोगे। और आप जो 2 सीट रखे हैं, दोनों सीट पे आप जो पैराशूट से उतर के आए हैं, जो एक दिन भी झंडा नहीं उठाया है, एक दिन भी पार्टी के लिए काम नहीं किया है, लोगों को मदद नहीं किया है, आप उसको टिकट दे देते हैं। जो भी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, नहीं मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। दो सीट पे आपके जो जन अधिकार पार्टी के कैंडिडेट को उम्मीदवार के रूप में उतारा गया, नीरज को दरकिनार कर दिया गया, जिस तरह का आपका आरोप है, तो आखिर वो कौन कैंडिडेट है जो 2 सीटों के लिए जन अधिकार पार्टी ने जिसको उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो पार्टी के लिए काम नहीं किया, आखिर कौन वोट है? क्योंकि दर्शक जानना चाहेंगे, अगर आप किसी पे आरोप लगा रही, ज्वाइंट सेक्रेटरी से आमिर राजा पार्टी में कभी नहीं रहे? नहीं, पार्टी में वो कभी नहीं थे, उनको हम कभी आज तक पार्टी में नहीं देखे। क्यों बना दिया गया कारण? और मुझे भी नहीं पता कि उनको क्यों बनाया गया, नहीं बनाया गया, ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक हम उनको जनाधिकार पार्टी का झंडा उठाते हुए नहीं देखे। करेंगे, कर रही हैं। हम पे सिर्फ एक पैनल पे, प्रेसिडेंट पोस्ट पे है नीरज कुमार यादव, हम उनको सपोर्ट, मेरा वो व्यक्तिगत, मेरा वो पार्टी तो बर्खास्त कर दिया, अब आगे क्या रहेगा? एक बात हम आपको बता रहे हैं कि सांसद महोदय को मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हम किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाए थे, हम किसी पार्टी का विशेष पे बात नहीं कर रहे थे, हम निर्दलीय को सपोर्ट किया, मेरा व्यक्तिगत पार्टी के साथ रहना कि अब अलग? देखिए, वो हम अब नहीं जान रहे हैं, वो 5 साल का जो हम लाठी गोली, जहाँ तक हमारे सांसद महोदय का एक इशारे पे हम दुनिया के लिए कुछ भी कर बैठते थे, आज वो सांसद महोदय हमको क्या कहें, बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है हमको, और ये इस बात से हमको दुनिया से नहीं तकलीफ है। पार्टी में रहना है? नहीं, मैं ये अभी नहीं कह सकती हूँ, पार्टी हमारी है, वो हमारा परिवार है, ऐसा नहीं है, जन अधिकार पार्टी कभी हम नहीं माने थे, जन अधिकार पार्टी को हम अपना परिवार माने थे। देखिए, सीधे तौर पे ये प्रिया राज थी जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि पार्टी की तरफ से इन पे कार्रवाई तो की गई है, और पूरा मुद्दा जो है, जो पार्टी की कार्रवाई की गई है, वो छात्र संघ चुनाव को लेके, उम्मीदवार को लेके, जो प्रिया राज के जो कैंडिडेट थे वो चाहते थे इस कैंडिडेट को टिकट मिले, लेकिन पूरा मुद्दा जो है, पूरा विवाद जो है, वो उम्मीदवार को लेके हुआ है, और जिसके कारण पार्टी ने इन पर कार्रवाई की। अब आगे देखने वाली बात होगी कि प्रिया राज जन अधिकार पार्टी के साथ रहती है या अलग रास्ता अख्तियार करती है। रोहित यादव, अजय भारत, पटना।